Welcome to an academy. I am Navdeep Kaur and I am verified educator at an academy. So, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोर्स जो कि जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन एज पर न्यू सिलेबस कवर अप करूंगी. आपको पता है कि अब एंटीनेट का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है. सो एज पर दैट हम इसके अंदर फुल फ्लैज कवर अप करेंगे. सो ये कोर्स का फीस बहुत ही कम है, जस्ट 999 रुपीज, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे हम कम टाइम पे और अच्छे से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एनरोल कर लीजिए. द रीजन इज कि ये जो न्यू कोर्स है कम प्राइस वाला, इसकी जो एनरोलमेंट होती है जस्ट फ्यू डेज के लिए ही ओपन होती है. सो इसको जितना जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा. सो थैंक यू सो मच. आई सी यू इन माय प्लस कोर्स. सो फ्रेंड्स, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके नवदीप को सर्च कीजिएगा. यू विल फाइंड माई कोर्सेज ओवर हियर. सो यहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा सो डेट आपको लेसन टाइम टू टाइम मिलते रहे. सो आपको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू ऐड हुई हैं. सो इसके बेसिस पे हमने कोर्स निकाला है 5 डेज़ का. सो 5 डेज़ का कोर्स है, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ ही मैं कवर अप करूँगी. ठीक है, तो क्या सोर्सेज एक्विजिशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा एंड बार हिस्टोग्राम पाई टेबल लाइन. ठीक है, सो मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस. सो दीज ऑल थिंग्स आई एम गोना कवर इन माई कोर्स. यू कैन ज्वाइन दिस लेटेस्ट पैटर्न कोर्स. और एक्चुअली 5 डेज़ का अगर हम सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड में करेंगे. अदरवाइज दूसरे कोर्सेज में थोड़ा सा जल्दी भगाते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, हम सब कुछ डिटेल में करेंगे आराम से, जिससे आपका समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. और लास्ट में जो क्विज होगा तो फिर क्विज के अंदर भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा जब आप उसको करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो टाइमर चल रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कर पा रहे हो उतने टाइम पीरियड में या नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व. एंड अदर देन दैट, मेरा कंप्लीट कोर्स आया हुआ है एंटीनेट पेपर 1 का. तो अगर आपको फुल फ्लैश पूरा का पूरा कोर्स करना है तो इसके अंदर भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ पूरा सिलेबस कवर अप होगा कंप्लीट पेपर 1 का. इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत होगी नहीं. और आपको पता है कि अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसका कोई सिलेबस का इतनी जल्दी कोई सिलेबस कोई बुक वगैरह में कवर हो नहीं रहा है. सो आई एम कवरिंग इन माई कोर्स, सो यू कैन ज्वाइन दिस 2019 के लिए. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट ड्रीम करो, बिलीव करो कि आप कर सकते हो एंड सही डायरेक्शन में जाओगे. आपको पता है कि हाँ ऐसा करने से मेरा सही से क्लियर हो जाएगा या ऐसा करने से मुझे नॉलेज अच्छे से मिलेगी, तो आप उस डायरेक्शन में जाओ और आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे. ठीक है, बिकॉज ये टाइम टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम एक्शन लेने का और सही ढंग से करेक्ट स्मार्ट एक्शन लेने का है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो गया है. ऊपर से अब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, डे बाय डे इसके अंदर इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें न्यू आ रही है. तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी आपको मौका मिल रहा है तो उसी टाइम उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए. ये नहीं कि कोई ट्रायल के लिए है अगली बार करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम एंड आई होप आई विश कि आप लोग ए प्लस कोर्स डेफिनेटली नहीं डेटा इंटरप्रिटेशन का या कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं. पूरा का पूरा पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा. ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.